ये देश के विद्रोह में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के विद्रोह में काम कर रहे हैं। उनको जबरदस्ती उनके मकानों पर कब्जा कर लिया जाता, खेतों में कब्जा कर लिया जाता था, उनकी सड़कों पर उनको चलना मुश्किल कर दिया जाता था, उनका घर गिराया जाता है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उसका एनकाउंटर तक हो जाता है। पुलवामा पर दिए गए डिंपल यादव के बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई। जिन महिलाओं ने अपने सुहाग खोए थे, जिन पर माफियाओं ने हमला किया था और उनकी मौत हो गई थी, उन्होंने अब डिंपल यादव पर निशाना साधा है। दरअसल उनका कहना है कि डिंपल यादव मंगलसूत्र का हिसाब दें, क्योंकि उनके समय में जो माफियाओं ने उनके पति की हत्या की थी वो उनके कार्यकाल यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, इसलिए वो गुंडों की भाभी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरह का जो बयान आया है और समाजवादी पार्टी पर जो उस समय माफियाओं के द्वारा जो है उमेश पाल से लगा करके उससे पहले जो हत्याएं हुई समाजवादी पार्टी की सरकार से लगा के या जो उनसे लोग जुड़े थे, तो इसलिए गुंडों की भाभी बताया है डिंपल यादव को, क्या कहना है इस पर? देखिए, डिंपल जी अखिलेश जी की तक जैसे निराश हो गई हैं, और वही नहीं पूरा विपक्ष निराश है। डिंपल जी ने जो बयान दिया पुलवामा पे और जो पूजा पाल जी ने उनको टिप्पणी करके उनका जवाब दिया, ये बिल्कुल सही बात कही। डिंपल जी को कोई भी हक नहीं है, एक प्रकार किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि वो पुलवामा जैसे देश का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। ये देश के विद्रोह में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के विद्रोह में काम कर रहे हैं, और ऐसे नेताओं को कभी भी हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी। डिंपल जी को सोचना चाहिए। इस समय की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सरकार चल रही है योगी जी की, और माफियाओं को क्या लगता है, माफियाओं पर अंकुश है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी एक गुंडा पार्टी रही है। जब भी समाजवादी पार्टी रही है तो उन्होंने गरीबों के साथ, अन्य लोगों के साथ अन्याय किया है, और कहीं किसी का सामान लूट लिया, किसी की जमीन पर कब्जा कर दिया, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता समाजवादी पार्टी में रहे। अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं, ये पूरी पार्टी भ्रष्ट है, और क्या कहते हैं, ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है। तो हम तो कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं कि वो गुंडों माफियाओं की भाभी हैं। कृष्णा राय की पत्नी ने और उमेश पाल की पत्नी ने जिस तरह से कहा है कि मंगलसूत्र का हिसाब दे, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, उन्होंने सत्य कहा है। क्या कहते हैं, जितने भी ज़्यादातर क्या कहते हैं अतीक अहमद से लेके बड़े बड़े नेता मुख्तार अंसारी से लेके जो उनकी कब्रों पे जाके फातिया पढ़ रहे हों, ऐसे लोग ही क्या कहते हैं जो गुंडे बदमाश जिन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़े, उन सबका ये काम किया हो, तो ये सत्य कहा है, ये उनकी भाभी है और सही में भाभी है। आपको क्या लगता है, इस तरह की बयानबाजी सपा की सरकार में माफियाओं ने लोगों के मंगलसूत्र उड़ाड़े जिस तरह से उजाड़े हैं, और जिस तरह से उस समय की जो बात थी और अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं यानी कि जो बयानबाजी हो रही है, इस पर आप? ये पूरी तरह परास्त हो चुके हैं, इसलिए उलूल जुलूल बयान ये लोग दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज के जो दौर है, सरकार है, माफियाओं में बुलडोजर का डर है, दिखता है? देखिए, बाबा के बुलडोजर का डर तो जो है माफियाओं के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के माफियाओं में दिख रहा है, और ये डर जरूरी भी है। आज से पहले बुलडोजर ये माफिया चलाया करते थे निर्दोष लोगों के घर में, गरीबों के घर में। आज बाबा ने जो बुलडोजर चलाया है वो निर्दोषों के हित में चलवाया है, और इनके घरों में बुलडोजर चलने से इनका एक बहुत ही अहम इनकी ताकत टूटी है। ये बहुत ही अच्छा पहलकदम है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है और माफियाओं का जो एक डर था वो कम हुआ, क्या लगता है? माफियाओं का क्या डर रखता है, जो अब हम लोग बहुत स्वतंत्र एकदम लिबर्टी से जी रहे हैं। हम लोग जब सपा की गवर्नमेंट रही थी उस समय ना तो हमारी माताएं बहनें कोई सड़क पर चल पा रही थी और ना ही हम लोग सुरक्षित थे। और 2017 से पहले हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो सपा की गवर्नमेंट थी, तो उस समय प्रदेश में हमको ना तो हॉस्टल मिलते थे रुकने के लिए, ना तो कहीं पर रूम मिलता था। वही माफियाओं को मिटाने का काम जो बाबा की सरकार ने प्रदेश में किया है, आज हम खुल के हम सब लोग जी रहे हैं, चाहे किसी अच्छा, पर एक चीज़ और बताइए, एक बयान आया है कि डिंपल यादव को गुंडों की भाभी बताया गया है, कृष्णा राय की पत्नी और उमेश पाल जी की पत्नी ने बताया है, क्या गुंडों की पत्नी एक तरीका देखी गुंडों की भाभी एक तरीका देखी जाए, वास्तविकता में समाजवादी पार्टी जो है वास्तव में गुंडों की पार्टी रही है और है भी। वही इलाका अगर मैनपुरी, इटावा और कन्नौज की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे जब समाजवादी पार्टी थी तो लोग सुरक्षित नहीं थे, उनको जबरदस्ती उनके मकानों पर कब्जा कर लिया जाता, खेतों में कब्जा कर लिया जाता था, उनकी सड़कों पर उनको चलना मुश्किल कर दिया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारी चोरी होती थी और लोगों की पकड़ धकड़ होती थी,
तो ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, लेकिन माफियाओं के राज में जिस तरह से हत्याएं हुई थी उमेश पाल की और कृष्णा राय की, उस समय के दौर में और आप आज के दौर में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, उस समय जो चोरी डकैती या किसी की हत्या हो जाती थी तो उसको जैसे मुलायम सिंह कहते थे, अरे बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये बाबा की सरकार है, इसमें अगर कोई गलती करेगा या किसी के साथ भी कोई किसी का घर कब्जा करेगा या किसी की हत्या करेगा, उसके साथ ऑन स्पॉट उसके उसका घर गिराया जाता है, बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, उसका एनकाउंटर तक हो जाता है। और समाजवादी पार्टी चोरों की पार्टी रही है, जिस तरह उन्होंने टोटी चुराई है तो चोरों की पार्टी तो रही है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर डिंपल यादव को जिस तरह से उमेश पाल की पत्नी और कृष्णा राय की पत्नी ने गुंडों की भाभी बताया है, यहाँ के लोग सहमत हैं। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।